lecture, which was on oxygen. So today we are going to do a video lecture on sulfur. ठीक है, we will start with allotropes of sulfur. ठीक है, sulfur के काफी allotropes होते हैं. तीन main allotropes हैं, alpha, beta and delta. ठीक है, alpha sulfur is also known as rhombic sulfur. It is crystalline, bright yellow in color and it is the most stable form of sulfur at room temperature. ठीक है, और उसके बाद you should know the structure. Occurred ring structure है. It is insoluble in water and soluble in organic solvents like CS2, benzene, alcohol, ether. ठीक है, उसके बाद अगर हम rhombic sulfur को heat करें, so at 369 Kelvin. ठीक है, so this is the temperature. At 369 Kelvin, both of the forms coexist. And above 369 Kelvin, जितना भी rhombic sulfur है, वो monoclinic sulfur में convert हो जाता है. ठीक है, so room temperature से 369 तक stable form कौन सी है आपकी, alpha या rhombic, और उसके above stable form कौन सी है, monoclinic. ठीक है, so this temperature is known as transition temperature. ठीक है, उसके बाद this is also crystalline but it is dull yellow instead of bright yellow and same solubility की properties same है, structure भी same है. ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी form पे, that is plastic sulfur. ठीक है, नाम से पता लग रहा है plastic है, so it is amorphous. कैसे बनता है कि हम molten sulfur को जब cold water में डालते हैं तो एक rubber like mass बन जाता है, जिसको हम कहते हैं plastic sulfur या delta sulfur. ठीक है, since it's amorphous, so it does not have a sharp melting point. ठीक है, and it is insoluble in organic solvents like CS2. ठीक है, उसके बाद एक और सल्फर की आप फॉर्म देख लीजिए. This is known as angel sulfur और E sulfur या cyclo S6. ठीक है, इसका armchair like structure होता है, जैसे ये है, इसमें S6 molecule की unit है. ठीक है, whereas बाकी सब में कौन सी थी, S8. ठीक है, उसके बाद अबाउट 1000 केल्विन एट सच हाई टेम्परेचर जो सल्फर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज ओनली S2 और इस समय जो सल्फर है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड ब्लू कलर. ठीक है, सो टेक अ नाइस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड. आपने इसका स्ट्रक्चर SO2 का बहुत डिटेल में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. स्ट्रक्चर कैसा होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसमें रेजोनेंस होती है बिकॉज इफ यू सी बॉन्ड एंगल जो है, चाहे डबल है चाहे सिंगल है, बॉन्ड एंगल की लेंथ कितनी आती है, 143 पिकोमीटर्स, विच प्रूव्स दैट इट हैज रेजोनेंस. ठीक है, एंड इसमें सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, राइट, सो इफ यू वांट टू गो इन फर्दर डिटेल्स यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर ऑन दिस, ऑन द ऑक्साइड्स. ठीक है, सो देन लेट्स मूव फर्दर. नाउ प्रिपरेशन, डायरेक्ट सल्फर को ऑक्सीजन से हीट करो तभी SO2 बनता है, बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है, यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ SO3 विच इज मिक्सड विद इट. ठीक है, उसके बाद लैब में किसी भी सल्फाइड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है. ठीक है, सो सल्फाइड इज SO32 नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन हैज कम फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड यू गेट दिस. यू हैव एन एग्जांपल हियर, जैसे मैं सोडियम सल्फाइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट सोडियम सल्फेट, वाटर एंड SO2. ठीक है, इंडस्ट्रियली सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग आपको पता है, कोई भी सल्फाइड ओर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करो एट हाई टेम्परेचर, इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड एंड इट गिव्स यू SO2 एज अ बाई प्रोडक्ट. हमने इस एग्जाम्पल में FeS2 ठीक है दिया है, राइट, एंड उसके बाद जब ये SO2 मिलती है, इसको सुखा लिया जाता है, इसको लिक्विफाई कर दिया जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज स्टोर्ड इन स्टील कंटेनर्स. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कंप्लीट द इक्वेशन जरूर आ सकती है केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई बार आइडेंटिफाई द गैस आ जाता है. ठीक है, राइट, सिंस इसका बिहेवियर SO2 का CO2 जैसा है, काफ़ी हद तक
when you talk about chemical properties, so what is unique is that it is colorless and toxic and pungent smelling gas. ठीक है, राइट. तो टॉक्सिक है, पंजेंट स्मेलिंग है, ये इसमें यूनिक है एज कम्पेयर टू CO2. ठीक है, इट इज हैवियर देन एयर, रेडीली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर एट 2 atmospheric प्रेशर. ठीक है, और उस समय ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है. वेर एज कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है डायरेक्ट सॉलिड बनता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस, वो कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज दैट बॉइल्स एट 263 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 197.5 केल्विन. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो द फर्स्ट पॉइंट. अब केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, कंप्लीटिंग द इक्वेशंस आ सकती हैं. ये हमने पहले भी किया था. SO2 को जब हम पानी के थ्रू पास करते हैं, इट गिव्स यू सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, रिएक्ट्स रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट करने को आ सकता है, सोडियम सल्फाइड. दिस सोडियम सल्फाइड विल फर्दर रिएक्ट विद SO2 टू गिव सोडियम बाइसल्फाइड. तो आपको दो चीज़ें देगा ऑन रिएक्शन विद NaOH, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक है, राइट. देन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. रिएक्शन तो बहुत बार आपने पढ़ लिया है अब तक. SO2+O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड आपको क्या देगा, SO3. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज चारकोल इन दिस रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बट यू हैव टू प्लीज लिमिट योर सेल्फ टू द NCERT रिएक्शंस, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में भी उसमें से आएगा और बोर्ड्स में भी उसमें से आएगा. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स. ठीक है, इसको नोट कीजिए. नाउ लेट्स लुक एट सम मोर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये मॉइस्ट होता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन रिड्यूस फेरिक आयन्स टू फेरस आयन्स. ठीक है, आयनिक इक्वेशंस लिखने को आ सकती हैं. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या आएगा आपका, SO2+ मॉइस्चर है, और SO2 जो है उसका क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन एंड H+, इन दोनों का. बाकी Fe3+ का क्या बन गया, Fe2+. यूज योर कॉमन सेंस, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब दूसरे के रिडक्शन कर रहा है. ठीक है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहा है, तो Fe3+ का ऑक्सीडेशन नंबर कम होकर क्या हो जाएगा, Fe2+. और SO2 की अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. तो इसने SO2 में ऑक्सीजन ऐड हुई, क्या बन गया, सल्फेट. अब यहाँ से ऑक्सीजन चलेगी दोनों, तो ये क्या बन गया, 2 × 4 = 4 H+ आयन. तो आपको इसको समझ के याद करना है, आयनिक इक्वेशन को 100% आयनिक इक्वेशन कम इन योर बोर्ड पेपर्स. ठीक है, उसी तरह जो अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ले मॉइस्ट सल्फर की प्रेजेंस में, सो इट गेट्स डीकलराइज्ड. ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर SO2 गैस. ठीक है, उसके बाद SO2 एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट गिव्स यू नेसेंट हाइड्रोजन. ठीक है, जो कलर्ड मेटल को कलरलेस कर लेती है. बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ टेम्प्ररी प्रोसेस, क्योंकि जैसे ही वो कलरलेस ब्लीच्ड आर्टिकल इज एक्सपोज टू एयर, सो विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट अगेन द प्रोसेस गेट्स रिवर्स्ड एंड इट रिटेन्स इट्स कलर, फिर से वो कलर्ड हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो द इक्वेशंस. और एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि SO2 जो है वो टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट क्यों है. ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू. उसके बाद द लास्ट टॉपिक इन सल्फर डाइऑक्साइड इज इट्स यूजेस. ठीक है, सो हेयर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. नंबर 1, इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर. ठीक है, इट इज यूज इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क. इट इज यूज एज एन एंटी क्लोर. एंटी क्लोर मतलब किसी चीज़ से अगर क्लोरीन रिमूव करनी है उसके लिए यूज होता है. ठीक है, देन इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड ऑल्सो एज अ प्रेजर्वेटिव.
Next is it is used in preparation of very important industrial chemicals like H2SO4, sodium bisulfite and calcium hydrogen sulfide. ठीक है, या calcium bisulfite. Next is liquid SO2 एक बहुत important solvent है. ठीक है, it can dissolve many organic and inorganic compounds. Very important questions, what happens when SO2 is passed through aqueous solution of iron 3 salt? It gets converted into iron 2. क्या होता है? It is a reducing agent, तो iron 3 salt की reduction हो जाती है. How is presence of SO2 detected? हमने पढ़ा था, इसको हम acidified KMnO4 solution में डालेंगे, तो it will become decolorized, that means वो gas क्या है? SO2. Which form of sulfur is paramagnetic? We talked about this, that at around 1000 Kelvin, जो sulfur है, it exists as SO2, ठीक है, which is paramagnetic. So next we are going to do sulfuric acid. Okay, next is oxo acids of sulfur. Students please remember group 5 में जितने भी आपके acids के structures आपके NCERT में दिए 100% उसमें से 2 marks का question आता ही आपके boards में. ठीक है, competitions में इनके basicity पूछ सकते हैं. So please restrict yourself to the structures, only those structures which are given in NCERT. ठीक है, सल्फर के काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं. ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट स्टेबल. सो काफ़ी सारे जो स्टेबल नहीं हैं, दे आर अवेलेबल इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर सॉल्ट्स. ठीक है, राइट. एनसीईआरटी में ये 4 ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं. ठीक है, इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, शुड नो देम बाय हार्ट. ओके, नाउ व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स? हम ऑक्सो एसिड्स कर रहे हैं. ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? ऑक्सो एसिड इज एन एसिड जिसमें एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एटलीस्ट एक कोई भी और अदर एलिमेंट इज देयर. ठीक है, सो इफ यू राइट द जनरल फॉर्मूला, देन इज हाइड्रोजन एंड देन देर इज एनी अदर एलिमेंट. सो एनी अदर एलिमेंट एंड देर इज ऑक्सीजन. सो दीज 3 थिंग्स आर देयर इन अ ऑक्सो एसिड. And number 2 thing that you need to remember is at least 1 hydrogen should be present as OH. That is, at least 1 hydrogen should be bonded to the oxygen, ठीक है, of the oxo acid. क्योंकि oxo acid अपना acidic character कब देगा? जब ये OH में से H positive split हो जाएगा as cation और जो बाकी चीज़ है वो बच जाएगी as anion. ठीक है, right? तभी अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि आपको इनमें से किसी एक एसिड की बेसिसिटी पूछी है, तो आपने बहुत इजी है, आपको स्ट्रक्चर बताना चाहिए, आपने देखना है सिर्फ कितने OH हैं. ठीक है, क्योंकि जितने OH हैं उनमें से उतने ही H पॉजिटिव स्प्लिट हो पाएंगे. एंड व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस दैट कैन कम आउट ऑफ अ एसिड. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दीज. ये सारे लिस्ट डाउन किए, बट दीज 4 आर इन द एनसीईआरटी इनके स्ट्रक्चर्स. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. ठीक है, राइट. इसमें यू कैन सी देर आर 2 OH, सो इसकी बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी इज 2. ठीक है, सिमिलरली दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. यू कैन सी देर आर 2 OH. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत बार आपने किया हुआ है. ठीक है, राइट, बेसिसिटी इज 2. दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम मार्शल्स एसिड भी कहते हैं. फॉर्मूला इज H2S2O8. ठीक है, यू कैन सी देर आर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और आपस में भी ये ऑक्सीजन लिंक है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ओलियम एंड मार्शल्स एसिड. ओलियम इज H2S2O7, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. ठीक है, ओलियम हम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. H2S2O7 डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लास्ट चीज़ ओलियम बनती है. ठीक है, सो इट्स अ थिक ऑयली सिरपी लिक्विड फॉर्म्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. जो हम अभी नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. सो ओलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस. ठीक है, एंड इनके स्ट्रक्चर्स आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए. आप इसको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, सो नोट दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वी कम टू सल्फ्यूरिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. इट इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज मैक्सिमम कंपाउंड्स के
मैन्युफैक्चर में या उसकी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसका फॉर्मूला है H2SO4. इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है. ठीक है, एंड इसको पहले हम ऑयल ऑफ वाइट रॉयल भी कहते थे. क्यों? क्योंकि पहले ये ग्रीन वाइट रॉयल के बीच में से उसको हीट करके उसमें इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ वाइट रॉयल. ठीक है, इंडस्ट्री में इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं. सो आई हैव ड्रॉन अ रफ स्केच. ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है सल्फर या उसका कोई भी और. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक ये सल्फर बर्नर है. तो यहाँ पे सल्फर या उसके कोई भी और को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं सो यू गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो यहाँ से जो गैस निकलती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, उसके बाद दिस इज अ इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर. जैसे आपने अपना क्वाटरेल्स प्रेसिपिटेटर पढ़ा है. ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसे एक इलेक्ट्रिक वायर्स सी होती हैं, जाला सा होता है इलेक्ट्रिक वायर्स का. ठीक है, राइट, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या चार्ज्ड इम्प्योरिटीज हैं या पार्टिकुलेट इम्प्योरिटीज हैं वो सारी यहाँ पर रह जाती हैं, और उस पार्टिकुलेट इम्प्योरिटीज से फ्री होके बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे जाती है. ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से इसको वाटर स्क्रबर्स या वाटर स्प्रे जो है वो ऊपर से गिरती है. तो जितनी भी इसमें मिट्टी है वो पानी के साथ मिल के नीचे बैठ जाती है. ठीक है, तो ज़्यादा जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ रहेगी, उसके बाद जो मिट्टी थी या धूल थी वो सारी नीचे चली गई, पानी के साथ बह गई. और यहाँ से जो SO2 गैस है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये मॉइस्ट हो चुकी है. ठीक है, राइट, तो यहाँ से जो निकली गैस वो क्या है, मॉइस्ट SO2. ये मॉइस्ट SO2 जो है इट इज़ पास्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. यू नो दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट इज़ अ ड्राइंग एजेंट एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यहाँ से आपकी मॉइस्ट SO2 आ रही है और ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे गिराया जाता है जिससे वो सारा वाटर इसका सेपरेट कर देता है, सोख कर लेता है, और यहाँ से ऐसे नीचे निकल जाता है. अब यहाँ से जो SO2 निकली है वो ड्राई है. ठीक है, काफ़ी हद तक क्लीन भी है, लेकिन अभी भी इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जो आपके कैटलिस्ट को ख़राब कर सकती हैं. ठीक है, सो इट इज़ पास थ्रू एन आर्सेनिक प्योरीफायर. ठीक है, आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन आया हुआ है, जेलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, जो इसमें से सारा आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ को ले लेता है. अब यहाँ से बिल्कुल क्लीन ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पासिंग थ्रू अ प्री हीटर. ठीक है, इस प्री हीटर में क्यों चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, और उस समय जो आगे रिएक्शन होना है, अगर तब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इट इज सिंस इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े भी ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो अपने आप को उसको जो हीट इवॉल्व होएगी इट विल बी सफिशिएंट टू मेंटेन इट. ठीक है, बट प्री हीट इसलिए करते हैं कि अगर ज़्यादा गिर गया तो जो हीट है वो किस लिए चाहिए, एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो चाहिए, तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ से इसको प्री हीट किया जाता है. टेम्परेचर इज़ अराउंड 720 केल्विन एंड. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो थोड़ी सी हीटेड SO2 है वो इसके थ्रू पास होती है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SO2 के अंदर क्या डाला जाता है, ऑक्सीजन गैस पास की जाती है. राइट, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, SO2 इज़ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू SO3 अगेन. ये इक्वेशन इसी वीडियो लेक्चर में तीसरी बार आ रही है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटोक्साइड और प्लैटिनम. ठीक है, यहाँ पे आयरन के शेल्स हैं जिसके ऊपर कैटलिस्ट को प्लेस किया गया है. अगर प्लैटिनम को प्लेस किया गया है या B2O5 को, बट प्लैटिनम कम यूज़ होता है बिकॉज अगर थोड़ी सी भी आर्सेनिक इम्प्योरिटी रहेगी तो वो प्लैटिनम को ख़राब कर देती है.
ठीक है राइट. सो दिस इज द रिएक्शन. दिस स्टार वेयर दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इज नोन एज कॉन्टैक्ट स्टार, जिसके नाम पे ये प्रोसेस है. सो यू कैन इमेजिन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप SO2 plus O2 giving you SO3, ठीक है राइट. उसके बाद इसको जहाँ से जो SO3 निकली है उसको कूल किया जाता है, ठीक है, कूलिंग पाइप के थ्रू पास किया जाता है. एंड देन फाइनली इट इज़ पास्ड इनटू द लास्ट टार दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन टार. यहाँ से SO3 ऊपर जा रही है और ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शावर करते हैं, जिससे आपके पास क्या बन जाता है, ओलियम बन जाता है, ठीक है राइट. नाउ दिस ओलियम इज अ थिक सिल्पी फ्लूइड. अब इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर डाल के आपको जितनी कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है. नाउ थोड़ा सा हम आते हैं इसी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है. 2SO2 plus O2 is giving you 2SO3 and there is a catalyst. एंड आपका डेल्टा एच इज वॉट, इट इज नेगेटिव, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन. सिंस इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ वॉट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. आपको ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत बार आता है, ठीक है. क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल है, लेट्स सी. सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज हीट इज गिवन आउट. अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, है ना, तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है या टेम्परेचर जिससे कम हो जाए. तो अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है. सो यहाँ से कैटलिस्ट फिलहाल हटा देती हूँ. अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो है, ठीक है. एंडो मतलब जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है. सो इन केस अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस एक्सेस हीट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक. एंड हियर एंडोथर्मिक इज बैकवर्ड, दैट मीन्स जो मेरी SO3 है वो कम हो जाएगी. सो एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस विल रिड्यूस, दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है. सो इफ द टेम्परेचर इज लो देन क्या होएगा, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ हीट जो है इज गिवन आउट और टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, दैट इज फॉरवर्ड. सो द फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन. फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है. अब आ जाते हैं प्रेशर पे, ठीक है. नाउ यू सी हियर, यहाँ पे कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको, 3, और यहाँ पे इस साइड कितने मोल्स दिख रहे हैं, 2, ठीक है. अब अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी, ठीक है, मैं दबाव बढ़ा दूंगी तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्योंकि अब वो गैस पास आ जाएगी. तो उस जगह में अब ज़्यादा मोल्स हो गए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चले जाएगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं दोबारा से, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 3 से कम होके 2 हो रहे हैं. दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन और ज़्यादा होएगा, दैट मीन्स मोर SO3 विल बी फॉर्म. सो हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ठीक है. और तीसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज प्लैटिनम एंड B2O5, आइदर ऑफ देम. सो 3 फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है. साइड पे हो गई, तो मैं एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बहुत ध्यान से आपने इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है. We are going to talk about the physical and chemical properties of sulfuric acid. The reason for writing them down is that please do not miss out on any one of them. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम physical properties पे, ठीक है. It's a dense oily liquid, colorless है, ठीक है. Specific gravity is 1.84, freezing point is 283 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 611 के. इस सेक्शन से टेक होम ज़्यादा नहीं है, जस्ट नीड टू नो कि इट्स अ हैवी लिक्विड, ठीक है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो इतना केमिकली रिएक्टिव है, ठीक है.
नंबर वन इसकी वॉलेटाइलिटी बहुत कम है, ठीक है। इफ़ यू लुक हियर, जस्ट बिकॉज कि जल्दी भाप नहीं बनता तो हम इसको बाकी एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन यूज इट टू प्रिपेयर अदर एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कि 100% ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर वाटर एंड इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन चार प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, राइट। स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपने किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है, व्हाट यू विल डू, यू आर गोइंग टू ऐड ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर स्लोली एंड कीप स्टरिंग बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिशन्स में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो टू स्टेप्स में आयनाइज करता है। स्टेप वन में वो अपना एक एच पॉजिटिव आयन पानी को देता है जिससे बन जाता है हाइड्रोनियम, और यहाँ पे क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसका अगर आप डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट देखो इट इज़ ग्रेटर दैन 10, दैट मीन्स जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट स्टेप में ही हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये HSO4 नेगेटिव अपना दूसरा एच पॉजिटिव आयन पानी को देता है एंड इट फॉर्म्स सल्फेट आयन, बट इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो वॉट यू आर नोटिंग डाउन हेयर इज दैट Ka2 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू Ka1, ठीक है, राइट। क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कि दो स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाता है, एक नॉर्मल सॉल्ट्स जिसमें ये फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा, और दूसरे एसिड सल्फेट्स बनाता है, ठीक है, दैट इज एसिड सॉल्ट्स बनाता है जिसमें HSO4 है, ठीक है, दैट इज सोडियम बाइसल्फेट हो गया, जैसे कैल्शियम बाइसल्फेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, सिंस इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसलिए कोई भी वेट गैसेस हैं उनको ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में भी है कि जो चीनी है, चीनी में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो क्या रह जाता है, काला कोयला रह जाता है। सो इट हैज़ अ चारिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स लुक एट सम मोर प्रॉपर्टीज, ओके। सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वीक भी नहीं है। इट्स इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद की क्या हो जाती है, रिडक्शन, दैट इज इट लूजेस हाइड्रोजन, इट गेट्स रिड्यूस्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, अगेन हैव पिक दिस फ्रॉम NCERT, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी मेटल को रिएक्ट करना है या नॉन मेटल को रिएक्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, प्लीज़ रिमेंबर क्या चीज़ें बाई प्रोडक्ट में बननी ही बननी है, SO2 एंड H2O, ठीक है। प्लस देन नाउ नेक्स्ट इज वी टेक अ नॉन मेटल, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया SO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन में ऐड किया तो CO2, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई तो CO2 बन गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन गया, SO2 प्लस H2O, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कंप्लीट एनी इक्वेशन दैट्स गिवन। आपके इंडेक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो क्या होएगा, इसकी आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है। जब किसी भी मेटल हैलाइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो क्या बनता है, यू ऑलवेज यू विल गेट अ सॉल्ट प्लस अ हैलोजन एसिड, ठीक है। सो CaF2 दैट इज अ मेटल हैलाइड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट मिला और यहाँ पे हैलोजन एसिड मिल गया,
ठीक है, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, बोर्ड्स में आ सकती है, आपके कॉम्पिटिशन्स में आ सकती है कंप्लीट करने को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट हैपन्स वेन वाटर इज एडेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो दिस फिनिशेज द केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक इन सल्फर, दैट इज यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, नोट दिस डाउन एंड देन वी मूव ऑन. ओके, लास्टली वी कम टू यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सिंस यू नो इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, तो किसी भी कंट्री की अगर आपने केमिकल स्ट्रेंथ देखनी है तो पता लगती है कि उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उससे. ठीक है, सो बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये यूज होता है. ठीक है, आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ देम. ये कुछ एसिड्स हैं जैसे नाइट्रिक एसिड HCl, इससे बनते हैं. देन मैनुफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, डाइस्टफ इंटरमीडिएट्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में आपके यूज़ होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, मेटल्स को क्लीन करने के लिए बिफोर उनकी फर्दर फिनिशिंग के लिए. ठीक है, उसके बाद स्टोरेज बैटरी, आपने पढ़ा था कि लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट. इफ यू रिमेंबर वी हैड डन 38% जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. देन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट्स, इफ यू रिमेंबर नाइट्रोसेलुलोज कहाँ यूज होता है, नाइट्रोसेलुलोज एक्ट्स एज अ कोलोइडियन जब हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं. ठीक है, सो नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है. एंड देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट. ठीक है, दिस आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे. सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू टुडेज वीडियो लेक्चर विच वॉज बेस्ड कम्प्लीटली ऑन सल्फर, इट्स एलोट्रॉप्स, इट्स इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स. ठीक है, एंड देन वी वेंट ऑन टू स्टडी सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सो आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन द बोर्ड, सो मेक नोट्स वेरी क्लियरली. यू गॉट सफिशियंट टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो. ठीक है, सो अच्छे से नोट्स बनाइए. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 17. ठीक है, सिंस आपने ग्रुप 16 कर लिया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो पहले. ठीक है, क्योंकि द कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम इन द ग्रुप 17. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू सेम एंड इट इज़ अ लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बार आपने सारे लॉजिक्स इस ग्रुप में पढ़ लिए हैं. ठीक है, मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.